आर्डिनो के इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप आर्डिनो सीखना चाहते हो तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसमें हर मंडे एक नया वीडियो डालूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आर्डिनो की साइट ओपन करिए और यहाँ से जस्ट डाउनलोड करके आर्डिनो को डाउनलोड कर लीजिए। फिर इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कीजिए और आर्डिनो ओपन कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको एक सर्किट बनाना होगा, जिसके लिए एक आर्डिनो, एक ब्रेडबोर्ड, एक यूएसबी केबल, जम्पर वायर्स, रजिस्टर्स और कुछ एलईडीज की ज़रूरत होगी। यहाँ एलईडी के दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एलईडीज को इस टाइप से लगाइए कि सारे पॉजिटिव टर्मिनल और सारे नेगेटिव टर्मिनल एक साइड में हो। इसके बाद 330 ओम का रेजिस्टेंस है जो नेगेटिव टर्मिनल से ग्राउंड को कनेक्ट करना है। यहाँ रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल जो आपस में कनेक्टेड है उनको एक जम्पर वायर से ग्राउंड से कनेक्ट करना है। फिर जम्पर वायर्स के थ्रू सभी एलईडीज को A0, A1, A2, A3 और A4 से कनेक्ट करना है। जैसे ही सारे वायर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा। अब इसमें कोड डालना है। तो कोडिंग के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वॉइड सेटअप और एक वॉइड लूप। वॉइड सेटअप में सबसे पहले इनपुट और आउटपुट डिफाइन करना है। तो यहाँ जो फर्स्ट फंक्शन लिखा है, पिन मोड A0 आउटपुट, इसका मतलब है कि A0 से आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होगी। तो LED एक आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ A0 से A5 सबको आउटपुट डिफाइन कर दिया। इसके बाद आते हैं वर्ड लूप में। यहाँ पर मेन प्रोग्राम लिखना है जो बार बार कंटिन्यूसली रन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले लिखा है डिजिटल राइट A0 हाई। इसका मतलब है कि जो पिन नंबर A0 है उस पे हाई मिलेगा, मतलब इससे कनेक्टेड डिवाइस ऑन हो जाएगी। और फिर डिले दिया 100 मिली सेकेंड का। और फिर वापस लिखा है डिजिटल राइट A0 लो। इसका मतलब है कि 100 मिली सेकेंड के बाद A0 से जो LED कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो ये सेम चीज़ A2, A3 और A4 के लिए भी लिखी है। तो अब ये फाइनल प्रोग्राम बन गया है और इसको आर्डिनो बोर्ड में अपलोड करना है। तो सबसे पहले टूल्स में जाओ और यहाँ बोर्ड में आर्डिनो UNO सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करो। जब फर्स्ट टाइम बोर्ड को कनेक्ट करोगे तो इसका ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ से पोर्ट को सेलेक्ट कर लो। इसके बाद फाइल को सेव कर दो और सेव के बाद अपलोड पर क्लिक कर दो। तो इससे ये फाइल आर्डिनो में अपलोड हो जाएगी। और अपलोड होने के बाद आप देख सकते हो ये प्रोग्राम रन हो रहा है। तो यहाँ पर जो 100 मिलीसेकंड का डिले दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही नए वीडियो डालता रहूँगा।